आपको याद है विराट कोहली की जब गौतम गंभीर से लड़ाई हुई थी आईपीएल के मैच में, तो उन पर करोड़ों का जुर्माना लगा था, और इसके बाद बहुत सारे फैंस से कह रहे थे यार विराट कोहली को पैसे क्या दिक्कत, ये जितना फाइन लगाया इतना तो वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट से दे देगा, इसका 10 गुना दे देगा। याद है विराट कोहली इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमाते हैं, ये हमेशा से एक हाइप बना रहा है और बहुत सारे कयास लगते हैं, लेकिन पहली बार विराट कोहली ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। मतलब विराट कोहली ने अब तक बताया नहीं ये कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन पहली बार इसको लेकर रिएक्शन दिया, और ये रिएक्शन इसलिए दिया क्योंकि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि विराट कोहली हर महीने, या हर महीने गलत है, हर इंडिविजुअल पोस्ट से, यानी एक पोस्ट अगर विराट प्रमोशन न करते हैं तो उससे तकरीबन 11,45,00,000 रुपए चार्ज करते हैं। अब विराट कोहली की साल भर की जो कमाई है इंडियन क्रिकेट टीम से वो है 7 करोड़ रुपए। हाँ, 7 करोड़ रुपए विराट, रोहित, बुमराह या जडेजा, चाहे 3-4 लोग की कमाई है। तो क्या वो एक पोस्ट से 11.5 करोड़ रुपए कमाते हैं? वेल, अगर ऐसा है तो ये बहुत लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का विषय था, और इंटरनेशनल एजेंसी ने तमाम सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी कर दी जिसमें बहुत 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 नाम था। मतलब कुछ कुछ का तो ऐसा था कि रोनाल्डो 26 करोड़ रुपए कमाता है, ऐसा मेसी 21 करोड़ रुपए एक पोस्ट से। हम और आप दिन भर चलाते थे लाइक 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 फैन फैन फैन, और ये 11.5 करोड़। लेकिन क्या सच ये है? विराट ने इस पर रिएक्ट किया है। अब हूपर एचक्यू की जो ये लिस्ट है ये दुनिया के 15 लोगों को लेकर है जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए। इस लिस्ट में विराट कोहली का स्थान जो है इनके हिसाब से 14वां है, और 14th रैंक पर विराट आते हैं, टॉप पर रोनाल्डो हैं, दो पर मेसी हैं, फिर बहुत सारे हॉलीवुड के स्टार हैं, इंडिया से इकलौते विराट कोहली हैं जिन्हें इतने पैसे मिलते हैं, वैसे कोई और है भी नहीं जिसके इतने फॉलोअर्स हों। लेकिन विराट कोहली को लेकर जब फैंस हल्ला बोल कर रहे थे और कह रहे थे यार देखो हमारा भाई कितना कमाता है, कहां चीकू हमारा दिल्ली से निकला और करते 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 इंटरनेशनल स्टार बन गया, सो विराट कोहली ने इसको लेकर रिएक्ट किया, और विराट ने एक ट्वीट किया जिसमें सोशल मीडिया पर होने वाली इस कमाई का खंडन किया। विराट अपने ट्वीट में लिखते हैं कि यार मेरी लाइफ में मुझे जो कुछ मिला है आई एम वेरी थैंकफुल, मैं उस चीज को लेकर आप सभी का, ऊपर वाले का आभारी हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरी कमाई को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो एक्चुअली सही नहीं है। ये विराट कोहली की तरफ से कहा गया। अब इसके दो मायने हो सकते हैं, एक मायने तो ये हो सकते हैं कि बाबू विराट कोहली इससे काफी कम पाते हो, उन्हें लगा यार कितना ज्यादा माहौल क्यों बन रहा है, मतलब इनकम टैक्स वाले हो सकता आके घर पे कहें कि बाबू इतना छाप रहे तो यार हमको भी दो, तुम्हारा जो ITR फाइल हो तो उसमें इतना नहीं आया था, मामला तो गड़बड़ है। और या ऐसा हो सकता है क्योंकि उनका नाम इस लिस्ट में 14th नंबर पर है तो उन्हें लगा यार 14th पर क्यों, मतलब जरूरत क्या थी इसका, मैं टॉप 3 में या टॉप 2 में आता हूं, मैं ऐसा कैसे इना चल बे हटाओ से बदलो। हाँ, मतलब यही होगा ना यार कि भाई कम क्यों दिखाया है। वैसे इससे पहले लोगों के मन में यह था कि विराट कोहली की कमाई जो है वो रोनाल्डो मेसी के बाद ज्यादा है, स्पोर्ट्स की दुनिया में वो 3rd नंबर पर है इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है ओवरऑल भी वो टॉप 10 के अंदर तो होंगे, शायद इसी वजह से विराट कोहली ने इसे कंडेम किया हो कि मेरे नाम पर ये जो अफवाह चिपकाई जा रही है चिपकाई ना जाए, ये सही नहीं है, जायज नहीं है। लेकिन हमें लगा एक बार हम आपको लिस्ट ही बता देते हैं इस लिस्ट में कौन कौन है। तो सबसे आगे जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, 26,75,00,000 रुपए एक पोस्ट के। यार महीने में अगर इस आदमी ने 4 पोस्ट कर दिए एक हफ्ते में 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए आप इमेजिन कर सकते हो, 100 करोड़, फक मैन, मतलब किसी को मिल जाए यार तो जरूरत ही नहीं यार, एशिया में तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में किसी को जरूरत ही नहीं काम करने को, अगर आपको पास 4 पोस्ट ही आपके लिए कर दे बंदा, है ना, मन में लड्डू फूट रहा होगा। लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत है, यहाँ ये जो 100 करोड़ आ जाए आज से नहीं है, इसके पहले बहुत पापड़ बेले हैं और उन जितनी रातें जगी हैं वो है, कहते ना लोग ये तो रात रात स्टार बन गया, अक्सर उस रात के पीछे की मेहनत कोई नहीं याद रखता। हालांकि मेसी जो रोनाल्डो को हर जगह टक्कर देते हैं, कई जगह तो उनसे आगे भी हैं, जैसे वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, वो 21 करोड़ रुपए कमाते हैं, 21,50,00,000 रुपए वो कमाते हैं, ये भी शानदार है। सेलेना गोमेज जो है 21,19,00,000 रुपए लड़कियों में टॉप पर है, काइली जेनर जो है वो 4th पर है 19,76,00,000, उसके बाद अपने आते हैं बॉडी बिल्डर भाई रॉक साहब जो है, उसके बाद एरियाना ग्रांडे आती है 18 करोड़, किम कार्दशियन आती है 18 करोड़, फिर नॉल्से करे कोई महिला हम नहीं जानते यार हॉलीवुड में थोड़ा इंटरेस्ट कम है 15 करोड़, फिर एक और कार्दशियन है वो आती है 15 करोड़, जस्टिन बीबर आते हैं 14 करोड़, केंडल जेनर आती हैं 14,56,00,000 रुपए, टेलर स्विफ्ट आती हैं 13,50,00,000 रुपए, जेनिफर लोपेज आती हैं 12 करोड़, फिर विराट का नाम दिया गया है 11,45,00,000, और लास्ट में निकी मिनाज का नाम है 11 करोड़ रुपए। अब हमारा सवाल आपसे यार एक की
क्या आपको लग रहा है, आपको यह एहसास हो रहा है कि अब तक आपने सोशल मीडिया का यूज किया है? नहीं, सोशल मीडिया ने आपका यूज किया, आपने सोशल मीडिया का यूज नहीं किया। मतलब इस लिस्ट को सुनने के बाद तो मुझे कम से कम यही लग रहा है। अलग है, थोड़ा शॉकिंग मेरे लिए, लेकिन जो भी है। हालांकि इसको लेकर फैंस के रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा तेज हो गए। बहुत सारे फैंस का ये मानना है कि विराट के साथ ये जस्टिफाइड नहीं था और इस वजह से विराट ने कहा होगा, बिकॉज वो ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे और उन्हें लग रहा हो कि यार आप 14th नंबर पर कैसे डाल रहे हो। एग्जैक्टली, विराट ने अपने रेट्स बढ़ा लिए होंगे। इंडिया में तो वैसे भी सबसे बड़ा ब्रांड है और सबसे ज्यादा मार्केट भी दुनिया में इंडिया के पास है। पता नहीं, एक ही हो सकता है। दूसरा जो कहा जा रहा है कि आईटीआर का डर हो सकता है, भाई इनकम टैक्स वाले छापा मार लें। कुछ एक जो दूसरी प्रजाति के लोग होते हैं उनको यहां खुराफात करनी, तो उन्होंने कहा यार दहेज हो सकता है वापिका का। मतलब बुद्धि लोग हर जगह लगा देते हैं अनशन, लेकिन ठीक है, लोगों के रिएक्शन जो है। कई लोग कहने का यार विराट भैया को बता देना चाहिए था कि ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। मतलब सिर्फ मना करना अच्छी बात थोड़ी ना है।